के दबाव से, वो लड़ रही थी पड़ोसियों के ताने से कि का भेज के रख, खुश रही वो, खुश रही एकदम एकदम एकदम, लड़की से पैर नहीं पड़ती थी, एकदम खुश रही, खुश रही। दरोगा बन गए भाई, कई किलो है? 1 किलो। हाँ एकदम 1 किलो नहीं रहेगा तो फिर हम आपको प्रमोशन वोमोशन में दिक्कत होगा। देखो लड़की लोग में, लड़की सब नहीं, लड़की लड़की के लिए बहुत बढ़िया। देखियो जब किसी, सुनिए ध्यान से, जब किसी लड़की का रिजल्ट होता है तो वो केवल और केवल एग्जाम से नहीं लड़ रही, वो लड़ रही थी समाज की बेड़ियों से, वो लड़ रही थी अपने परिवार के दबाव से, वो लड़ रही थी पड़ोसियों के ताने से कि का भेज के रखी हो यहाँ पर। लेकिन इन सब के बाद जब एक लड़के का रिजल्ट होता है तो केवल उसने एग्जाम से लड़ा है, लेकिन लड़की का होता है तो बहुत मुश्किल होता है। एक लड़की वही समझ सकती है, लेकिन आओ देखिए बाबू, आप लड़कियों से भी कहते हैं थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। देखिए आज लड़की का पूरा लाइफ सेटल हो गया, डबल स्टार कंधे पे आ गया, अपने लाइफ की पूरी मालिक हो गई, कोई अब दबाव डाल सकता है नहीं। अब पहले के में और अभी में बहुत का डिफरेंस हो जाएगा। अब चलिए बाबू, आप इन लड़कियों को भी अपना अनुभव बताइए, इनको स्पेशली, इन गधों को कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज सर के बगल में हम खड़े हैं। सब इंस्पेक्टर, यहीं पे हम तो बैठते थे, सर को पता नहीं याद होगा या नहीं होगा, यहीं पे बैठते थे। हाँ बस आप लोग भी जो जैसा सर बोलते हैं वैसा कीजिए, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं किए हैं, बस सर का हर एक बात माने हैं, यहाँ पे सर का हर एक क्लास किए हैं। हम एकदम बेसिस से स्टार्ट किए थे, हमको कुछ नहीं नॉलेज था यहाँ पे, क्योंकि मेरा BSc मैथमेटिक्स ऑनर से पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो इतना कुछ हमको इस क्षेत्र में नॉलेज नहीं था। तो जितना सर बोले उतना किए और आज आप लोग के सामने। स्टार्टिंग के लिए तो सर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सर एकदम इतने अच्छे से समझाते हैं ना, हमको नहीं लगता है कि यहाँ का कोई टीचर ऐसा समझा सकता है जो अभी तक इतना याद रहता है, या अभी तक हम सर का ऑनलाइन क्लास करते हैं, या फिर मतलब सब कुछ नॉलेज हो गया है सर से पढ़ते पढ़ते। एग्जाम जब नजदीक आता है तब तक आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दिया कीजिए, क्योंकि आप जब रिवीजन करते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है, आप जो मारिएगा वहाँ पे आंसर वो 100% चांस होगा कि वो सही ही होगा, अगर आप रिवीजन किए हुए रहेंगे तो। वही अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप 50-50% चांस रहता है कि गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, तो आप लोग रिवीजन कीजिए एग्जाम के समय। भाई तुम लोग को थोड़ी मिलेगा, देखिए बाबू अभी आपको यहाँ तक में ये जो अभी आपका रिजल्ट हुआ है ये पहली सीढ़ी है, अभी सब इंस्पेक्टर है BPSC में, आगे DSP, समझ आएगा कि नहीं आएगा? जब तक ये सब तब तक ये जूनियर रहेगा, सब आप DSP में रहेंगे, नेक्स्ट वाले में आप तैयारी करते रहेगा, ऑनलाइन BPSC वाला ये वाला भरी होंगी हाँ, इसमें आपको पूरा आपका इस बात को एकदम अच्छे से स्ट्रेटजी के हिसाब से आप लोग को मतलब तैयारी कराया जाएगा, तो आप लोग आगे के रुकना नहीं है, जब तक BPSC, उसके बाद आपका BPSC में हो जाए तब भी नहीं रुकना है, UPSC, और जब वहां हो जाए तब भी नहीं रुकना है, समाज सेवा, तब देश बदलना है यहाँ पर। अभी तो बहुत कम जिम्मेदारी आई आपके ऊपर, समझा ही नहीं गया? बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद आपके साथ, आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए, माँ बाप का नाम ऐसे ही रोशन करते रहिए, ठीक है।